हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्मार्ट बाज़ार गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग वीडियो लेके अपलोड भी किए जाए। तो ये देखो बहुत कुछ बिस्किट्स है। फर्स्ट एंट्री करते ना पूरा बिस्किट सेक्शन ही आए थे गाइस, तो इसलिए मैं बिस्किट्स पहले बता रही हूँ। और इसमें ना बहुत वैरायटी वैरायटी बिस्किट्स है और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का भी है, ब्रिटानिया, पार्ली, वैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का है गाइस, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। और जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो पे मैं क्या क्या बता रही हूँ करके, हाइड एंड सीक है और बहुत कुछ बिस्किट है, मतलब अच्छा अच्छा रहता है यार। लेकिन हम लोग कुछ खरीद ही नहीं थे, क्यों पता है? क्योंकि वो ना सूख जाते हैं हम लोग एक बार यूज़ करने के बाद, तो उसका कुछ रेमेडी तो है नहीं। डिब्बे में डाल के रखेंगे तो भी सूख जाते हैं यार, तो इसलिए मैं सोची कि हम लोग वो बिस्किट सब ना 5 रुपया 10 रुपया वैसे ही खरीद लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो डार्क फैंटेसी, वो पिछले इसमें बड़ा वाला है और ये वाला थोड़ा छोटा है, मतलब ये इसमें 6 ही रहते हैं। और ये देखो ओरियन चोकोपाई, जिसमें 12 चोकोपाई रहते हैं। और ऑरेंज का जो ओरियन चोकोपाई है उसमें ना एक लेंगे तो एक फ्री है, सादा चोकोपाई में फ्री नहीं है गाइस। और ये देखो स्पेशल एडिशन पैक, टाइगर का क्रंच बिस्किट और गैलेक्सी चॉकलेट है, ये गैलेक्सी मिनी है, इसमें छोटा छोटा गैलेक्सी रहता है, बड़ा नहीं रहता है। और 5 स्टार भी देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छा है। डेरी मिल्क मिनीस भी है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है यार। और ये देखो बालाजी का चेकअप भी है, मतलब बालाजी मैं कभी ट्राई नहीं की हूँ, मैं प्रिंगल्स ट्राई की हूँ लिटरली, मतलब प्रिंगल्स में एक दो बार खाई हूँ, इतना ज़्यादा बार मैं नहीं खाई हूँ। बालाजी का मैं वेफर्स में लेस ही ट्राई करती हूँ कभी कभार। और ये देखो न्यूट्री चॉइस सेवर पैक है, सुपर सेवर पैक है और मेगा फैमिली पैक भी था। और जैसे कि आप देख सकते हो बहुत कुछ मतलब मिल जाता है यहाँ पे। हमारे ट्रॉली देखो कितने है, मतलब 2 मैरीगोल्ड, 1 क्रीम बिस्किट और 1 चोकोपाई, इतना ही है गाइस। और पालेज बिस्किट जैसे कि आप देख सकती हो, ये पालेज बिस्किट में ना 6-7 पैक होता था, मतलब 10 वाला ही 6-7 होता है। और ये देखो डार्क फैंटेसी, इसमें 24 पैक्स होता है डार्क फैंटेसी का, इतना ज़्यादा है, ऐसे मन लगता है पूरा ही मैं उठा दूँ करके। मार्केट्स बिस्किट भी है, बोनवीटा ना वो डब्बे वाले में था, वो ना 1000 रुपीज़ कुछ थे, वो हम लोग खरीदे थे। और ये देखो शेजवान का क्या है, नूडल्स है और टॉप रामन का नूडल्स है, टॉप रामन बहुत फेमस है। और ये स्नैक टैक करके कुछ तो नूडल्स है लिखा है, मैं कभी ट्राई नहीं की हूँ, मैं टॉप रामन ट्राई की हूँ, इट्स ओके इस टाइप, मतलब मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैगी से बढ़कर तो कुछ होता नहीं है गाइस। आपको पता है मुझे मैगी बहुत पसंद है। और यहाँ पे देखो चॉकलेट सेक्शन आ गए हम लोग, चॉकलेट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट्स। और देख सकते हो डेरी मिल्क फैमिली पैक से सब कुछ चॉकलेट्स अवेलेबल है, सिल्क है, टॉबलर वन है और भी बहुत चॉकलेट्स है, लिंडर चॉकलेट्स है, स्विस चॉकलेट्स है। और यहाँ पे देख सकते हो डेरी मिल्क का एक एक वर्जन है, सिल्क है या फिर बबली, वो सब भी मिल जाता है यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हो डेरी मिल्क सिल्क का भी है और वो फैमिली पैक का भी है। और मेरे हाथ आप देख सकते हो गाइस। और यहाँ पे देखो फेरेरो रोशर है, मेरा सबसे फेवरेट चॉकलेट और बहुत महंगाई भी है, किसेस चॉकलेट, किसेस भी बहुत महंगा है गाइस। मंच, तो हम लोग मंच लिए थे क्योंकि ये सस्ता भी है और साथ में हम लोग को खाने के लिए अच्छा भी रहता है, मतलब टेस्टी रहता है, वेफर कोटेड। और स्निकर्स जो ये 50 को कट करके 45 लिखा है, मतलब पहले तो ये 40 में मिल जाता है, अभी तो 50 को कट करके 45 लिखा है इसमें। महंगाई हो गया गाइस, बढ़ गया महंगाई, मतलब बहुत दिन बाद हम लोग आ रहे हैं तो इसीलिए हम लोग को पता नहीं चल रहा क्या चीज़ कितने रुपए में मिल जाता है करके। ईपी भी हम लोग उठाए, 1 पैकेट उठाए, ये देखो केचप। और ये देखो पल्स, छोटा वाला पैकेट है, ये 10 रुपये में 10 पल्स रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स रहते हैं। ये हम लोग लिए थे भी और हम लोग ओपन करके खा भी गए थे गाइस, घर पे आते ही तुरंत। तो मुझे पता है ना, 3 पाइनएप्पल का था और 3 लीची का था और 4 नॉर्मल पल्स वाला था। और जेम्स बॉल्स जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस गाइस। लेकिन जेम्स बॉल्स में ना खिलौना ही रहता है, जेम्स इतना ज़्यादा रहता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं ली हूँ। जेम्स का 10 रुपये में बहुत ज़्यादा रहता है। ये देखो ये चिक्की आइटम्स वैसे बहुत कुछ है और ये हम लोग खरीदे नहीं थे, मतलब मैं सिर्फ दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, या फिर आप कई बार खरीदेंगे तो भी आप मन करके खरीद सकते हो। हमारी ट्रोली आप अभी देखे थे गाइस, मतलब और भी नहीं भरा, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग ना पूरा चॉकलेट सब वेफर ही लेते हैं, बिस्किट हम लोग प्रेफर ही नहीं करते। आइसक्रीम्स भी यहाँ पे है और बाजू में फ्रोजन डेजर्ट नहीं है, वो क्या होता है ना, वो फ्राइज हम लोग लेके और घर पे से फ्रिज में रखने के बाद हम लोग फ्राई भी कर सकते कभी कभार, वो वाला
उसे क्या बोलते हैं, मैं भूल गई गाइस। हमारे घर पे तो हम लोग रखते नहीं ना, इसीलिए ये देखो थम्स अप है, स्प्राइट है और यहाँ पे केचप है। केचप तो मैं पहले ही बता दी थी, तो फिर भी आगे चलो बता ही दे देती हूँ। स्नैक टी भी मैं पहले बता देती। ये लेस है, आई गेस ये 50 का है एक पैकेट, तो ये देख सकते हो कितना अच्छा है। ये प्रिंगल्स, हाँ तो मैं यही बता रही थी कि मैं ये एक दो बार ट्राई की, मुझे पसंद भी आया था करके। इसमें मैं कौन सा ट्राई की मुझे याद नहीं, मैं वो बेसिक फ्लेवर से मैं ट्राई की थी शायद, एक दो बार मैं ट्राई की थी, उसके बाद मैं खरीदी नहीं थी। मतलब ये देखो बालाजी का वेफर्स मसाला मस्ती, ये मैं कहती हूँ ये 5 का भी मिलता है, 10 का भी मिलता है, यहाँ पे ये 40 का है। तो मैं सोची हम लोग दो ले लेते, एक वो ग्रीन कलर का चाट चस्का लिए और एक वो वाला लिए थे ब्लू वाला मसाला मस्ती। ये देखो कुरकुरे में 2 उठाई थी गाइस, कुरकुर भी मैं खाती हूँ, कुरकुर 20 रुपये का है, 20-20 है, बिस्किट्स है, बहुत कुछ नमकीन्स भी है यार। और ये देखो सर्फ एक्सेल, ये खाने का चीज़ नहीं है लेकिन मतलब बेसिक नेसेसिटी बोल सकते हैं इसे भी, क्योंकि कपड़े धोने का सब कुछ, लिक्विड आइटम्स, विम बार, टाइड, सब कुछ है। मंच में ना 2 लेंगे तो 1 फ्री करके था, तो हम लोग एक ही लिए थे, फिर भी मतलब पूरे पैसे डाले यार। मतलब मंच 100 रुपीज़ का है ना, तो उन्होंने 80 रुपीज़ डाले थे बिल में, मतलब हम लोग को 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। ये देखो ओट्स है, ये देखो सोसाइटी का ये जो टी पाउडर है, रेड लेबल नेचुरल क्या का टी पाउडर है, और बहुत कुछ टी पाउडर है, ब्रू का, सनराइज का। यहाँ पे कुछ काले काले दिख रहे हैं यार, ये लोग सब लोग उठाएगा ये शायद। ये देखो बिस्लरी सोडा है, ये हम लोग नहीं लिए थे, और इसमें बहुत कुछ जूस आइटम्स भी था, माजा वैसे बहुत कुछ है, और हम लोग ना माजा लिए थे शायद, हाँ माजा ही लिए थे। कोको कोला है, रेड बुल है, और स्टिंग है, और थम्स अप है, बहुत कुछ मतलब 8 to Z वेराइटीज था, मतलब यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। और गाइस ये थम्स और कोको कोला में क्या डिफरेंस है मुझे पता ही नहीं चला अभी तक, लिमका है, बहुत कुछ है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट गाइस। और कुछ नहीं गाइस, बाय गाइस।